नमस्कार, सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिवालय का घेराव किया गया था और आज काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी यहां पर आज का दिन मना रही है। हमारे साथ इसको लेकर के बात करने के लिए जेएमएम के नेता सुप्रिया भट्टाचार्य जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और इस मामले पर चर्चा करेंगे। सर, आज काला दिवस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है, लाठी चार्ज, पानी के बौछारे और तमाम चीज़ें देखने को वहाँ पर मिली थी। देखिए, काला दिवस क्यों मना रहा है हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनके विचार ही काले हैं, जिनका नियत ही काला है, जिनकी सोच काली है, उनका कोई एक दिन थोड़ी काला कोई विशेष हो जाता है, उनका तो दिन भी काला रात भी काली। तो ऐसे काले कार्नवल वालों के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, इनके लिए 365 दिन ही काला दिवस है, उसको मनाने का क्या फ़ायदा। अगर बात करें जिस तरीके से अभी उनका कहना है कि वादा खिलाफी सरकार ने किया है, अभ्यर्थियों से जो वादा किया था 5 लाख रोजगार देने का, वो वादा पूरा नहीं किया। 1932 खतियान आधार स्थानीय नीति का वादा किया, वो पूरा नहीं कर पाई सरकार। मैंने बंगला में कहावत है, भूतेर मुखे राम नाम। उनके प्रधानमंत्री तो 18 करोड़ लोगों का वादा किए सर, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, तो 9 साल में 18 करोड़। कल कितनों को देंगे? 70,000 को। तो वो लोग हमसे सवाल करेंगे, चलनी पूछे छलनी से तुझ में 1,000 छेद। पहले अपनी विश्वसनीयता कायम कीजिए, तब हमसे सवाल कीजिए। और हम लोगों ने कितना रोजगार दिया है, ये जो चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो जो कृषि पदाधिकारी हो, ये सभी लोगों से जाके पूछना चाहिए कि किसने उनको नौकरी दी, आपको फर्क आ जाएगा सामने। दादा, अगर बात करें 17 अप्रैल को अभ्यर्थियों के द्वारा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाना है, हेमंत कैबिनेट की बैठक भी उसी दिन रखी गई है। नहीं देखिए, कोई भी संगठन हो, यदि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करे तो उसकी मनाही नहीं, लेकिन कोई राजनीतिक दल यदि पत्थर और बोतल चलाए आंदोलन के क्रम में, तो ये तो हमको लगता है कि अराजकता का पराकाष्ठा है, इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। आपको अपनी बातें रखनी है, आप अपनी बातों को रखें, लेकिन पत्थर गोली बम चलाना ये कोई सही चीज़ नहीं। दादा, निशिकांत दुबे के ने भी मंच से खुली चुनौती जो है सोरेन परिवार को दी है, लोकपाल मामले को लेकर के सुनवाई भी होनी है 13 अप्रैल को, उसको लेकर के उन्होंने खुली चुनौती दी है, क्या कुछ कहेगा उसको? अब तो वो संविधान से भी बड़े आदमी है ना, अब सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला नहीं सुनाएगा वो निशिकांत दुबे सुनाएगा, आपका चुनाव आयोग जो फैसला नहीं सुनाएगा वो निशिकांत सुनाएगा, इसलिए निशिकांत हर चीज से ऊपर है। कल यानी कि यहाँ पर 13 अप्रैल को आजसू के द्वारा भी जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा अभ्यर्थियों के समर्थन में, जो अभ्यर्थी नारा लगा रहे 60-40 नहीं चल, तो 40% ओपन फॉर ऑल नहीं होने देंगे। देखिए, आजसू भी राजनीतिक पार्टी है, ये सोचना भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू से ही आजसू को कहा है कि ये सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बार्गेन गैंग है, तो इनके लिए जो आंदोलन होता है, उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस का राज्य का दर्जा की मांग की थी, क्या हाथ से हाथ जोड़ो मानव श्रृंखला बनाया था, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, कहाँ गए उनके अभियान सब? इसलिए आजसू के विषय में कमेंट हमसे ना करवाएं तो ये अच्छा है। दादा, उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा जो लगातार आपकी सरकार से पूछ रहे हैं कि आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, पीजीटी का हो, लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन अभी सरकार की उसे निकाला गया है उसमें ओपन फॉर ऑल है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा, उसी से नाखुश हैं अभ्यर्थी? नहीं देखिए, उस पर लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए, अल्टीमेटली उसमें ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो यहीं के लोगों का हो उस पर प्रवेश, वो सारी चीज़ें तय की जा रही है।
मतलब 40% में कुछ बैरियर सरकार लगाने की तैयारी कर रही है? देखिए, बहुत समय लीगल चीज के लिए बहुत कुछ को वेव ऑफ किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोगों का जो एम है उस एम को हम पूरा करेंगे। मतलब झारखंड झारखंडियों का है, यही एम है जेएमएम? झारखंडियों का है और खतियान ही पहचान। तो झारखंड झारखंडियों का है और खतियानी ही झारखंडियों की पहचान है। हमने कई मुद्दों पर यहाँ पर इनसे बातचीत की और इनका स्पष्ट कहना है कि आंदोलन ज़रूर कर सकते हैं, बैरियर जो 40% लगाना है उसमें अभ्यर्थी शंका ना करें, वो ज़रूर लगाया जाएगा, इंतज़ार करें, सारी चीज़ें बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्ट पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।